जय हिंद साथियों, आज हम जो बात करेंगे वो है विकलांग व्यक्तियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया जाए। लर्निंग पहले बनता है या डायरेक्ट लाइसेंस बन जाता है, क्या इसमें हमें एजेंट को हायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आज हम इस वीडियो पे पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको parivahan.gov.in की साइट पे जाना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका एक होम पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है। ऑनलाइन सर्विसेज को जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके नीचे ऑप्शन आ जाएगा व्हीकल रिलेटेड सर्विस, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पे आप स्टेट के लिए आ जाएगा। अब जिस भी आप स्टेट में बैठे हो, पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हो, फिर वो सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको न्यू लर्नर वाले पे क्लिक करना है। उसमें जैसे आप कंटिन्यू करोगे उसमें सिलेक्ट का ऑप्शन है कैटेगरी का। कैटेगरी में जनरल है, जनरल का मतलब होता है सम, मतलब इंडियन कोई भी जो विकलांग नहीं है वो सब जनरल कैटेगरी। फिर उसके अंदर दो चार पॉइंट और भी है, जैसे फॉरनर है, डिप्लोमेट है, रिफ्यूजी है, एक्स सर्विस मैन है, और जो हैंडीकैप की कैटेगरी दी गई है उसका नाम है दिव्यांग। आपको उस पे सिलेक्ट करना है और प्रोसेस करना है। जैसे आप सिलेक्ट करो तो उसमें आपको एक होम पेज खुल जाएगा। बेसिक डिटेल आपको भरनी है, नाम हो गया ऑलरेडी भरा होगा, आधार कार्ड से ओटीपी लेके करोगे, मेल आईडी, ब्लड ग्रुप, एजुकेशन, आइडेंटिफिकेशन विभाग। अब ये सब कंप्लीट करते हुए जैसे आप नीचे आओगे तो उसमें आएगा सिलेक्ट का। तो उसमें आपको जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करनी है इनवैलिड कैरिज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इनवैलिड कैरिज, वहां पे हैंडीकैप करके लिखा नहीं आएगा। हैंडीकैप व्यक्तियों के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है वो इनवैलिड कैरिज कहा जाता है। उस पे आप सिलेक्ट करोगे, सबमिट करोगे, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट की लिस्ट खुल जाएगी। उसमें आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। अगर मेडिकल मांगा हो तो आप वो मेडिकल का फॉर्म भी उस साइट पे अवेलेबल होगा। आप किसी MBBS डॉक्टर से वो मेडिकल अटेस्ट करा के अपलोड कर सकते हैं, और एक हैंडीकैप सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। और कोई डॉक्यूमेंट हो जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस डॉक्यूमेंट का बता दूंगा वो कैसे बनेगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद में मात्र 500 रुपए की फीस में लर्निंग अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही लर्निंग अप्लाई कर लोगे, फीस पेमेंट कर दोगे, तो आपके फोन पे लिंक भी आएगा, उसके जरिए आप टेस्ट भी दे सकते हो। तो ये है आपका लर्नर लाइसेंस, घर बैठे आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कहीं भी दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और साथ साथ आपको ये भी कमेंट करना है कि आप किस स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे वहां के रूल एंड रेगुलेशन पहले से ही मैं पढ़ लूं, जिसकी वजह से मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक तो एक बार बनता है। जय हिंद, जय भारत।